सो ही गाइस, अगर आप लोग विजय मेहर जी को फॉलो करते हैं तो विजय मेहर जी के एक टाइम टेबल आपको मालूम होगा कि विजय मेहर जब भी कोई पोस्ट डालेंगे तो वो 9:30 बजे डालते हैं, वो आप लोग को मालूम होगा। तो ऐसे ही 9:30 बजे मैंने एक वीडियो बनाया था कल नाइट में, तो मैंने उस वीडियो पर आप लोग से पूछा कि आप लोग को इस टाइप का 15 अगस्त का एडिटिंग चाहिए क्या विजय मेहर जैसा, तो कमेंट कर दीजिएगा। तो भैया इतने सारे कमेंट आ गए ना कि भाई साहब ले आओ, भैया ले आओ करके प्लीज़ जल्दी लेके आओ। तो इतने सारे कमेंट आ गए ना, मेरे को वीडियो बनाने पड़ा, वरना मैं नहीं बनाता, मूड नहीं था। तो मैंने इस वजह से आप लोग से पूछा था, बट बहुत अच्छा प्यार आया आप लोग का कमेंट में कि ले आओ। तो फाइनली मैं ये एडिटिंग ले आया हूँ आपके लिए। तो सिंपल एडिटिंग है, बहुत आसानी से आप लोग को सिखाऊंगा मैं। और पोस्ट की बात रही तो भैया पोस्ट आप लोग को एक एक स्टेप करके आपको समझा दूंगा, टेंशन मत करिएगा। बस आप लोग को फुल वीडियो वॉच करना, जरा सा वीडियो स्किप नहीं करना है गाइस। तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हम। तो पहले मैं आप लोग को पोस्ट समझा देता हूँ। गाइस आप लोग को पोस्ट कुछ इस टाइप का क्लिक करवाना है, तो गाइस पहले मैं आप लोग को मेन चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग के पास अगर वाइट टी शर्ट है या फिर वाइट ओडी है तो आप लोग वाइट टी शर्ट या ओडी पहन लीजिएगा। और गाइस अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग कोई कुछ भी पहन सकते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। और नीचे की साइड रहने देना, कुछ भी ब्लैक पैंट लोअर कुछ भी पहन सकते, कोई टेंशन नहीं है। और गाइस आप लोग को मैं बताता हूँ अब हैंड, ठीक है। तो पोस्ट आप लोग को कैसे देना, आप लोग को एक हाथ अपने ऐसा बंद कर लेना है जैसे कि आप लोगों ने कुछ पकड़ रखा हो, ठीक है। और दूसरा एंड आप लोग को ऐसे मतलब लंबे साइड ऐसे मतलब फैलाना है। फैलाने के बाद आप लोग को करना क्या, जो आपका फेस का एंगल रहेगा वो एंगल ऐसा रहेगा जैसे कि आप लोग ने ऐसे हैंड को कर रखा है एंड हैंड के ऊपर के साइड आप लोग देख रहे हैं। तो देखो आप लोग को मैंने पोस्ट समझा दिया अच्छे से, आई होप आपको पोस्ट समझ में आ गए हो कि कैसे देना है। और आप लोग विजय मेहर जी की एडिटिंग देख लीजिएगा, मतलब विजय मेहर जी का फोटो देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आप लोग को आइडिया नहीं आ रहा तो मैंने ये समझा दिया है आपको, और फिर भी नहीं आ रहा तो मैं ये फोटो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग ये फोटो को बार बार देख के फोटो क्लिक करवा लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जल्दी से फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और गाइस अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से फॉलो कर लो। तो चलो फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड की भी ओपन कर लिया हूँ। और गाइस जो भी स्टॉक इस एडिटिंग में मैं यूज़ करूँगा सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस यार मैंने कोई भी वेबसाइट नहीं बना रखा है, गूगल ड्राइव में आसानी में आप लोग को स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोग को करना क्या गाइस, आप लोग को यहाँ से जाना टूल्स पे, एंड टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेना है। और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा हर वीडियो पर मैं आप लोग को रिसाइज करने के लिए बताता हूँ। एंड गाइज इसके बाद आप लोग को करना क्या, आप लोग को सिंपली यहाँ से जाना ऐड फोटो पे, एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद आप लोग अपना फोटो ले आइएगा। और गाइज मैंने आप लोग को पोस्ट बता दिया फिर भी आप लोग को पोस्ट समझ में नहीं आया है, तो मैं इसी फोटो को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस फोटो को बार बार देख के आप लोग फोटो क्लिक करवा लीजिएगा आसानी से। तो मैंने इस टाइप से मॉडल को एडजस्ट करा, एंड गाइज एडजस्ट करने के बाद आप लोग को सिंपली करना क्या है, आप लोग को उस पर टैप करना, देन आप लोग के यहाँ से जाना इरेज टूल्स पे, एंड इसकी हार्डनेस को कम एंड ओपेसिटी को कम करके आप लोग को ऐसे मतलब ड्रॉ कर देना है। यहाँ लाइट आ रही ना वाइट वाइट सी, तो आप लोग को इस टाइप से ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। आप लोग देखो यहाँ पे पूरे हैंड पे कर लीजिएगा, बट मैं नहीं करता हूँ, आप लोग को कर लेना है ऐसे ही। आप लोग को वाइट वाइट सा कर लेना है साइड, मतलब कि 4 मॉडल के ऊपर। अगर आप लोग वाइट टी शर्ट पहनेंगे या ओडी पहनेंगे तो आप लोग का फोटो भैया एक नंबर का एडिट हो जाएगा, आप लोग को बता रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से डन करा, एंड सिंपली डन करने के बाद आप लोग को गाइस यहां से फिर ऐड फोटो पे जाना है, एंड इस बार आपको तिरंगे का पीएनजी ले आना है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कहां मिलेगा, कहां से डाउनलोड करना है आपको स्टॉक। तो सिंपली आप लोग को इस टाइप से एडजस्ट करना है इस तिरंगे को, एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, तो इसकी ओपेसिटी को कम कर लीजिएगा आप कुछ इस टाइप से। एंड गाइस आप लोग को यहाँ से जाना है इरेज टूल्स पे, तो इसकी हार्डनेस को फुल एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के आप लोग को ऐसे जूम करना है, एंड गाइस जूम करने के बाद आप लोग को इस टाइप से इरेज कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को जितना मुँह में पार्ट आ रहा उतना आप लोग को फेस में जो आ रहा वो आप लोग को रिमूव कर लेना है। तो चलिए मैं फटाक से कर लेता हूं, ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं।
सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इस टाइप से एडजस्ट कर लिया। तो आप लोग क्या ना इसकी ओपेसिटी को ऐसे 100 कर लीजिएगा, एंड 100 करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो है ना सेम एडिट हो गया है। तो आप लोग को करना क्या है, इसकी हार्डनेस को फुल एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के आप लोग को जो हार्ट में पार्ट आ रहा ना उसे भी आप लोग को कर देना रिमूव, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस टाइप से रिमूव कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी इस टाइप से रिमूव कर लेना है। एंड रिमूव करने के बाद आप लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डन करा, एंड डन करने के बाद आप लोग को सिंपली करना क्या है गाइस, आप लोग को यहाँ से जाना है ड्रॉ ऑप्शन पे, एंड ड्रॉ ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है गाइस आप लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से 3 डॉट पे टैप करके फ़ोटो को कर लेना है सेव। एंड गाइस सेव करने के बाद अगर आप लोग रीटचिंग करना चाहते तो आप लोग लाइट रूम पर चले जाइएगा, लाइट रूम से रीटचिंग कर लीजिएगा, बट मैं स्नैपसीड से करता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ मैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से जाता हूँ पेंसिल वाले आइकन पे, देन गाइस यहाँ से मैं सिलेक्टिव टूल सेलेक्ट करता हूँ। एंड गाइस थोड़ा सा मैं फेस पे ऐसे ड्रॉ करूँगा, एंड ड्रॉ करने के बाद जो रेड आता है ये रेड को आपको भर लेना फेस पे, एंड फिर आप लोग को ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड कंट्रास्ट को इसको कम कर लीजिएगा, एंड ऐसे ही सैचुरेशन को भी आप लोग को कम कर लेना कुछ इस टाइप से, एंड जो आप लोग को और लास्ट मिलता है वो आप लोग को मतलब इंक्रीज कर लेना है। तो इतना कुछ होने के बाद आप लोग सिंपली फिर यहाँ से ब्रश पे जाइएगा, देन इसके ब्रश के साइज को रखिएगा 5, एंड आप लोग को ऐसे जूम करना है, एंड आप लोग को देखना आपके फेस पे लाइट कहाँ पे आ रही, फिर आप लोग को इस टाइप से डॉट्स बना देना अपने फेस पे, ठीक है, जहाँ पे भी आ रही हो आपके नोज़ वगैरह। तो मैंने इस टाइप से बनाया, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा डन। एंड डन करने के बाद गाइस आप लोग यहां से टून इमेज ले लीजिएगा, एंड जो भी एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा एडजस्टमेंट। अगर आप लोग चाहते तो भाई आप लोग स्नैपसीड में वो आप लोग लाइट रूम में भी जाके रीटचिंग कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। तो मैंने इतना कुछ करा, एंड करा यहां से डन, एंड फिर पेंसिल वाले आइकन पर जाके मैं यहां से डिटेल्स लेता हूं थोड़ा सा, और यहां से कर लेता हूं डन, ठीक है। तो गाइस इस वाले आइकन पर जाके मैं फ़ोटो को कर लेता हूं सेव। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो गैलरी पे सेव हो चुका है। तो गाइस यार आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गाइस आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।